शिवसेना टकसाली के राष्ट्रीय महामंत्री बिनी वर्मा की अध्यक्षता में होटल वुडलैंड पठानकोट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार सूरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ हरदीप शर्मा, पंजाब महासचिव मनीष कपूर मौजूद हुए। सुधीर कुमार सूरी ने प्रेस को बयान देते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान पंजाब से आतंकवाद को खत्म करने के लिए बलिदान देने वाले पैरामिलिट्री व पंजाब पुलिस और निर्दोष लोगों की शहादत को नमन करते हुए शिवसेना टकसाली हर साल हवन करके श्रद्धा सुमन भेंट करती है। इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए उन्होंने फैसला किया है कि सभी शिवसेना टकसाली के कार्यकर्ता कोविड 19 की गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगी। सुधीर कुमार सूरी ने कहा कि 6 जून को आतंकवाद का सफाया किया गया था, उन शहीदों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर पंजाब में अमन शांति लाई थी, उनकी शहादत को हमेशा याद करेंगे। आज हम पठानकोट में आए हैं जी, एक तो 6 जून का प्रोग्राम है, उस सिलसिले में मिनी से मीटिंग है, मेंबरों से मीटिंग है कि 6 जून को ये क्या कह रहे हैं, इनको समझाना है, इनसे बात करनी है, कुछ इनकी सुनेंगे कुछ अपनी सुनाएंगे, इसलिए आज पठानकोट में आए। सर, आपका एक विवादित बयान सामने आया है किसानी आंदोलन को लेकर, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? देखो, जो मैंने बठिंडे वाली बात कर रहे हो आप, वही बयान की बात कर रहे हो, बठिंडे में जो बयान दिया किसानों की रैली को लेकर, मेरे को ये समझ नहीं आ रही कहां पर वो विवाद है। एक नेशनल लेवल के चैनल है, वो सब बता रहे हैं और ये अपने मुंह से भी बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे ऐशो आराम से रह रहे हैं, काजू पिस्ता बादाम जलेबी सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं अपने मुंह। तो जब मैंने बोल दिया तो वो विवादित कैसे हो गया, मेरी समझ से बाहर है। और क्यों पीटीसी न्यूज ने इसको उछाल दिया बगैर मतलब के, दिक्कत भी कोई नहीं क्योंकि इसमें कुछ झूठ नहीं है, सब सच है। मेरे पास बकायदा इनकी वीडियो पड़ी हुई है, इनका सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। और अब जब ये बैठे हैं किसान रैली में, फिर ये बोलते हैं कि आप बोलते हो कि वहां पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, ठीक है, जब वहां पे बैठ के आप लोगों को मारने की धमकी दे रहे हो, मेरे को ही धमकी मिल रही है, क्या ये किसान बोल रहा है कि किसान के रूप में खालिस्तानी बैठा हुआ बोल रहा है कि सूरी को हम मार देंगे, सूरी को काट देंगे, सूरी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये भी वीडियो मेरे पास पड़ी है जो किसान मंच से परसों 3 दिन पहले से ये वीडियो चल रही है, अलग अलग लोग अलग अलग डाल रहे हैं, लेकिन सूरी को कोई खतरा नहीं है, मरना सबने एक दिन। तुसी खालिस्तान किन्नू कहंदे हो? जो देश के टुकड़े करना चाहता है, जो समाज को गंदा करता है, जो समाज में निर्दोष लोगों को मारता है, उसको खालिस्तान कहा जाता है। सर, तुसी बीते दिन सरदारा दे बारे भी गलत टिप्पणी करदे नजर आई सी, कौन सी टिप्पणी, कोई उदाहरण दो। आपने सरदारों के बारे में भी खालिस्तानी को लेकर कुछ ऐसा टिप्पणी किया था, आप उदाहरण दो ना। मैंने सरदारों का लफ्ज कहाँ यूज किया? आप देखो मुद्दे को घुमा रहे हो, वो पीटीसी वाला चक्कर भी आप चला रहे हो। कहाँ पर मैंने सरदारों का नाम लिया? मैंने नहीं लिया, मैंने बोला खालिस्तानी। और खालिस्तानी वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, कोई भी होगा, गैंगस्टर भी हो सकता है, कोई भी समाज का द्रोही है जो समाज में गंदगी फैलाता है, निर्दोष लोगों को मारता है, उसको हम खालिस्तानी बोलते हैं। और सरकार भी बोलती है और बड़े बड़े लीडर जो नेशनल चैनल पे बैठ के डिबेट करते हैं वो लोग भी बोलते हैं। मैंने सरदार का बोला, मेरे को ये बताओ आप किसानों का तोड़े बयान दे विवाद क्यों, विवाद क्यों बन जाता? मेरा तो विवाद था, प्यार है आपस, प्यार है ताकि क्यों मेरे जोड़ जाते हैं। और तुसी दसो कि मैं बठिंडे च बयान दे रहे हैं कि किसानों की रैली जिहड़ी हैगी है वो गलत हैगी है, धरना गलत हैगा, उसनू कैंसल करना चाहिए, वो कानून के तहत एक फसल बेच के देखना चाहिए, इस का विवाद है। आप काजू बादाम की बात करते हैं, कपड़े धोने की मशीनों की बात करते हैं, क्या अपनी सहूलियत के लिए वो धरने पर वो चीजें नहीं इस्तेमाल कर सकते? जब धरना होता है धरने में ये चीजें नहीं की जाती, और वो चीजें आई कहाँ से? वाईफाई का कनेक्शन कौन दे रहा है? दिल्ली सरकार दे रही है जो मोदी जी के विपक्ष में बैठे हैं। मशीनें कहाँ से आ रही है? विपक्ष दे रहा है, मोदी जी तो दे नहीं रहे, ये अपने से पैसा खर्च के तो लेके नहीं आ रहे। अब मैंने एक बयान सुना इनका कि जो पैसा हमसे हमको फंडिंग नहीं आ रही, हमारे बच्चे जो बाहर भेजे हुए हैं वो भेज रहे हैं पैसा, ये
तो आपने भी सुना होगा मेरे बयान के बाद ये बयान आया। अब बच्चे बाहर से पैसा भेज रहे हैं, बच्चे इतना पैसा भी नहीं कमा रहे कि करोड़ों खरबों अरबों रुपए का रैली हो जाए, जलसा हो जाए, और एक तरफ किसान बोलते हो कि किसान भूखा मर जाता है, आत्महत्या कर रहा है, कर्जाई है, एक तरफ ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मेरी समझ से तो बाहर है, या मैं पागल हूँ या मैं। किसानी आंदोलन में बीते दिन एक रेप का मामला सामने आया, क्या आपके ध्यान में है? बिल्कुल है, जो अब आप बताओ कि वो रेप का जो मामला किसानी रैली में नजर आया, क्या वहाँ पे हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सेफ है? मानता हूँ कि किसानों ने उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया, किसानों ने बोला कि हम हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन किसान की रैली में ऐसे लोग आते ही क्यों है? कल की एक वीडियो, एक बूढ़ी औरत स्टेज पे खड़ी होकर भगवान हिंदू के गणेश जी को गाली बक रही है, क्या आप लोग, हम लोग सो गए यार, हमारा जमीन मर गया, हम बोले तो विवाद हो गया, वो बोले तो अच्छा हो गया। ये सिलसिला जो है ना, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि बार बार एक आदमी को बोल दिया कि आपने विवाद खड़ा कर दिया, और वो जो स्टेज पे औरत ने बोल दिया, इतना गलत लैंग्वेज यूज की, वो किसी चैनल को नजर नहीं आई, या जो वहां पे किसान बैठे उनको नजर नहीं आई, उनका फर्ज नहीं बनता था कि उसको उतार के नीचे फेंक के कि नहीं भाई इस स्टेज पे ये कुछ नहीं बोला। आगे किसानों का मसला है, अपना मसला आप बोलो, नो प्रॉब्लम, लेकिन हिंदुओं को क्यों लेके आते हो उसमें? वहां पे हिंदू किसान भी बैठे हैं बाहर की स्टेट के, या उनको पंजाबी समझ नहीं आती, उनको समझ से बाहर हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि उनको समझ नहीं आती, लेकिन ये सिलसिला जो है ये गलत है। ये किसानों को चाहिए, योगराज बैठा उसने हिंदुओं की माँ बहनों को टके टके मुगलों के बाजार में बिकवा दिया, बोल दिया, उस समय सब चुप क्यों? लेकिन सूरी चुप करने वाले नहीं बैठा हुआ, जिसने आना है, जिसने मेरे को मारने आना आ जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सच्चाई बोलूंगा और बोलता रहूंगा। जी सूरी साहब, तुसी किसानी बिल रद्द करने दे भी तुसी सरकार नु किया है, की कहंदे तुसी इस बारे, तुसी समर्थन करदे हो किसानों दा या फिर नहीं करदे? देखो मैं कोई नहीं किया कि सरकार नु कि तुसी बिल रद्द करो, मैं नहीं किया, मैं मोदी सरकार दे बिल्कुल नाल खड़ा, बिल्कुल बराबर खलोता, क्यों खलोता? मेरा एक फर्ज है, मेरी एक ड्यूटी है कि साडे देश दा प्रधानमंत्री है जिन्हों की बाहर जिन्हें भी मुल्क ने सारे झुक के सलाम करते हैं, तो साडे मुल्क दे विच उन्हां नू असीं गाला दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, कित्थों दी काबिलियत हैगी है, कित्थों दी सोच हैगी है, मेरी समझ तो बाहर है। कानून रद्द नहीं होना चाहिए, पहला फसल वेचन, फसल वेच के देखन इन्हां नू नुकसान होगा, अपना फिर टेबल ते बैठ के दसन, उस तो बाद देखो यह तरीका नहीं। PM ने, राष्ट्रपति साहब ने साइन करते कानून बन गया, तुसी कानून नू यूज ते करो, असी यूज कीता नहीं, उस तो पहला असी हल्ला गुल्ला मचाता, 6 महीने तो असी उत्थे धरना लगा के बैठ गया, सारे हिंदुस्तान दे व्यापार तहस नहस हो गया, ट्रांसपोर्टर तहस नहस हो गए, लेकिन इन्हां नू सिर्फ अपनी पई, इहदा मतलब कानून खेतीबाड़ी दे बस जो है ओही जगह, बाकी सारे मर जाण भुखे, किसी किताब च नहीं लिखिया। ना मैं क्या कानून रद्द होना चाहिए, मैं तो हजे भी कहना कि कानून लागू रहना चाहिए, ये एक बार फसल वेचन, वह फसल के तहत इन्हों पता लगेगा नुकसान है कि फायदा है। देखो फिर गल आ जी, मैं जब एक लफ्ज होर बोलता, अगे मैं लफ्ज बोलिया से कि एक बच्चा टॉफी मंगता ना, तो साढ़े माँ प्यो टॉफी नहीं देंगे न्याणियों, क्योंकि बच्चे के दंद खराब हो जाएंगे, तबीयत बिगड़ जाएगी, ऐसे ना जिद फड़ी कि कानून कैंसल करो, तुसी कानून नू यार वरत के तो देखो, और ये तहत एक फसल बेच के तो देखो, कभी भी किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कभी नहीं चाहेगा कि मैं कानून वजह बनाऊं। तुसी किसानों नू जिद कह रहे हो, ईगो कह रहे हो, तो क्या केंद्र सरकार अपनी जिद पे नहीं बैठी? जे केंद्र सरकार ऐसे, जे किसान ही एग्री नहीं कर दे केंद्र सरकार दे ना, ना 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 ना, किसान एग्री करे इनू कल नू फिर दूसरा समाज उठ के कह देगा कानून साडे ते लागू नहीं होता, सानू अच्छा नहीं लगता, कैंसल कर दो, एना मतलब कि कानून असी तुसी बनावांगे, ते सेंटर च बैठा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ओ ते फिर वैसे बनाए ने, उन्हां बिठाने दी जरूरत की है? कोई जरूरत नहीं, सरकार ने देखना होगा कि कानून बनाया, कानून के तहत साडे मुल्क नू कित्थे फायदा हुंदा, कित्थे नुकसान हुंदा। देखो मैं फिर वो गल करांगा, तुसी एक चैनल चला रहे हो, एक नैशनल चैनल चल रहा है, कित्थों दा कित्थे बराबर है, कितने ना कितने ते दिमाग दा काम चलदा है ना। मैं राजनीति, मेरी पार्टी नहीं, मैं राजनीति च इंटरफेयर नहीं करता, ना मैनू कोई, मैनू कोई शौक है, मैं समाजिक पार्टी, मेरी समाज का मैं काम करता, किस तरह का जाए मैं काम करवाना लोगों का,
लेकिन यह जरा है कानून का मसला वे मैं ना मेनू कानूनों बारे पता है मैं सिर्फ यह चाहना एक कानून बनाया सरकार ने उसके तहत एक फसल बेचो तुहानू बुरा लगेगा सारा समाज थोड़े नाल बैठेगा कम से कम बाकी लोगों का भी व्यापार देखो किसी का होजरी का काम है किसी का सिलाई मशीन का काम है किसी का कोई काम है कोई ट्रांसपोर्ट सारे ही वेले बैठ गए ने लोग मरण की कगार से आ गए उतो करोना करोना काल श्री राम अज साडे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुधीर कुमार सूरी जी उन्हां दे नाल राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हरदीप शर्मा जी पंजाब जनरल सकत्तर मनीष कपूर जी और रंजीत बैन जी पठानकोट पहुंचे हैं इन्हों का पठानकोट पहुंचन दे असी निघा स्वागत करते हैं और मैं दस दवा कि 6 जून नू जो कि एक प्रोग्राम है वह सुजानपुर किया जाएगा वह 1984 के जेडे शहीद होए है उन्होंने श्रद्धांजलि दी जाएगी जय श्री राम जय जी।